नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीए स्टडीज़ में। देखिए, आज की जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी वो टीएन शर्मा जी के द्वारा जनहित याचिका लगाई गई थी वो हो नहीं पाई है किसी कारण की वजह से। जजेस बताया जा रहा है कि बिजी थे तो कुछ मीटिंग में, तो उस वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई है। तो देखिए, आप लोग दिल अपना छोटा ना करें, बहुत ही जल्दी जैसे 3 मई जो है नेक्स्ट डेट, तो आपको मैं बता देता हूँ 3 मई जो है नेक्स्ट डेट सुनवाई दी गई है कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए हाई कोर्ट के अंदर। तो ये खबर है, देखिए कोरोना भी काफ़ी बढ़ चुका है तो आप अपने लोग अपना ध्यान रखिए। देखिए अब जो है दिन, मान लीजिए आप लोग अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि देखिए अब आज ये सुनवाई थी, ये भी नहीं हो पाई है कोर्ट में, तो आप लोगों को निराशा ज़रूर होगी इस चीज़ों से, लेकिन आप लोगों को अपना मनोबल बना के रखना होगा। देखिए यही टाइम है जिस समय हम लोग अपना मनोबल बना के और ख़ुद से लड़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं इस समय से, तो आप लोग ज़रूर देखिए तैयारी करते रहिए। देखिए कुछ ना कुछ तो इसका होगा। देखिए 3 मई जो दी गई है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपडेट होगी 3 मई को वो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। देखिए पीछे जो बैकग्राउंड न्यूज़ दी गई है, आप ये पुरानी न्यूज़ है इसको मत फोकस करिए, तो मैंने बेसिकली वैसे ही लगा दी, मतलब 14,000 जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के पद थे उसके ऊपर, जिसके अंदर तो 50% ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो है वो पीछे से भरे जाएंगे जो पुराने नियुक्त हुए हैं उनकी वजह से। तो ये है, तो बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्दी जो न्यूज़ आएगी हाई कोर्ट की जो 3 मई की वो आपको जो पहुंचाई जाएगी जल्दी से जल्दी तभी हो। तो आज ये ऑडियो जो आया था टीएन शर्मा जी का, उनके द्वारा मैंने वो देखा और मैंने उसी के द्वारा आपको ये जो न्यूज़ है वो साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, देखिए बहुत ही जल्द अपन लोगों को खुशखबरी मिल सकती है इसकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। तो बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताना था आपको, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।